बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी विद किचन। आज मेरे किचन में बने लगा है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और ये सबको ही बहुत पसंद होता है। स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं स्ट्रॉबेरीज। आम दिनों में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ों में अगर हम बनाएं तो ये बहुत न्यूट्रिशियस है। तो आइए मैं आपको बनाने का ये तरीका बताती हूँ। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, 250 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं जिनको मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में। 6 टेबलस्पून मैंने ये मिल्क पैक बलाई ली है, अगर आपके पास घर की बलाई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस डालूंगी। 8 टेबलस्पून इसमें शुगर है, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मीठी मीठी हैं तो आप शुगर को कम भी कर सकते हैं। 700 ml दूध है, ये फुल फैट मिल्क है, और ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं जिनको मैंने ऐसे कटर के साथ, ऐसे मेरे पास एक छोटा सा स्टार कटर है तो इसको रख के हमने ऐसे काट लिए। तो ये मेरे पास ऐसे स्टार फूल की शक्ल में स्ट्रॉबेरी आ गई है, और बाकी स्ट्रॉबेरी जो है जिसको हमने काटा है हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हम मिल्क शेक में डालेंगे। तो आए हम अपने मिल्क शेक को स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डालूंगी, फ्रेश यमी यमी स्ट्रॉबेरीज लग रही हैं, और उसके बाद क्रीम, स्ट्रॉबेरी एसेंस और शुगर 8 टेबलस्पून, 8 टेबलस्पून है ये। अगर आप कम करना चाहते हैं कम कर लें, ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा कर लें। अब इसको दूध डाले बगैर मैं इसको चलाऊंगी ताकि ये इसकी पेस्ट बन जाए, वरना ये जरे जरे मुंह में आते हैं। ये देखिए इसकी पेस्ट बन गई है ना गाढ़ी सी। अब आपको इसमें जरे नहीं नजर आ रहे। अब मैं इसके अंदर सारा दूध डाल दूंगी जो मैंने दूध रखा है। ये देखिए आपको फील हो रहा होगा इसके अंदर कोई जरे नहीं नजर आ रहे आपके स्ट्रॉबेरीज के, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज की हमने पहले पेस्ट बना ली है। तो मैं इसको एक सेकंड के लिए और चला लेती हूँ। ये ले जी, ये हमारा मजेदार सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए कितना स्मूथ स्मूथ सा बना है, और क्योंकि हमने इसको पहले से शेक कर लिया था स्ट्रॉबेरीज को, और उसमें आपको ज़रे नज़र नहीं आ रहे होंगे। और ये जो हमने फूल काटा था वो हम इसको इधर लगा देंगे डेकोरेशन के लिए, और ये हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। और इसको आप पिएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा है, और अफ्तार में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। और अगर आपको बनाना मिल्क शेक और मैंगो लस्सी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी विद किचन को सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो उसमें आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, और अगर आप न्यू हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको और भी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।